नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी एक और खास वीडियो में। शुरू में हम बात करेंगे यार आईपीएल से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। हालांकि उससे पहले आप सभी लोग को बता दें, बॉर्डर गार्ड्स का ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। टीम इंडिया नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए। अगर आप लोग स्क्वाड नहीं चेक किए हो तो आगे चेकआउट कर सकते हो, मैंने पोस्ट किया है चैनल पर। और इसके अलावा देखें तो स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। हर्षित राणा है, अभिमन्यु ईश्वरम और इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, तीनों ही खिलाड़ी अभी तक टेस्ट में अपना डेब्यू नहीं किए हैं। हर्षित राणा तो मानो T20 और वनडे में भी नहीं किए और ना ही अभिमन्यु ईश्वरम, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्या इन्हें खेलने का मौका मिलता है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और अक्षर पटेल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि इनके लिए अन्याय किया गया है कि इनको मौका दिया जा सकता था बॉर्डर गार्ड्स का ट्रॉफी में बैकअप खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, खास करके गायकवाड़ जिनको T20 और वनडे फॉर्मेट में मौका नहीं दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हैदराबाद टीम को लेकर आ रहा है कि अपने रिटेंशन में हेनरी क्लासन, पैट कमिंस और इसके अलावा अभिषेक शर्मा को रिटेन कर सकती हैं। जी हाँ, इसके अलावा जो 3 ITM कार्ड बचेंगे उनका ये इस्तेमाल करेंगे ऑक्शन में। लेकिन यहाँ पर हेनरी क्लासन को लेकर अपडेट आ रही है कि इनको 23 करोड़ रुपये देगी, 18 करोड़ रुपये पैट कमिंस को देगी हैदराबाद की टीम और इसके अलावा 14 करोड़ रुपये अभिषेक शर्मा को, जो अब अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं है। 6.5 करोड़ रुपये इनके ऊपर इन्वेस्ट की थी पिछले ऑक्शन में, लेकिन अब इनकी प्राइस मनी बढ़ गई है और 14 करोड़ रुपये में इनको रिटेन करेगी, यानी कि हैदराबाद की टीम इन 3 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे हेनरी क्लासन को, जिनकी प्राइस होगी 23 करोड़ रुपये IPL 2025 में। तो 23 करोड़ रुपये में इनको रिटेन करेगी हैदराबाद की टीम। अपनी राय बताइए इस पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, तो वो है पंजाब टीम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब टीम की बात करें तो भैया शशांक सिंह को लेकर अपडेट आ रही है कि शशांक सिंह ने अपने बायो से पंजाब टीम का नाम हटा दिया है। हालांकि हमारे एक भाई हैं क्रिमी करके, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि भैया शशांक सिंह का नाम हटा दिया गया है। जी उन्होंने कमेंट किया था, तो मैं सोचा इसके ऊपर पूरी जानकारी निकाल लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, शशांक सिंह को लेकर अपडेट आ रही है कि शशांक सिंह ने अपने बायो से पंजाब टीम का नाम हटा दिया है। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि पंजाब की टीम अब शशांक को रिलीज़ करेगी, लेकिन इसके पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का भी दावा किया था कि पंजाब की टीम अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में शशांक सिंह को बरकरार रख सकती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके हालिया एक्शन ने उनके भविष्य के बारे में बहुत सारे फैंस को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, शशांक सिंह ने इंस्टाग्राम बायो से पंजाब किंग्स का नाम हटा दिया है। इसमें अब लिखा है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर। हालांकि इस बात की पुष्टि न तो शशांक ने की है और न ही पंजाब टीम ने, लेकिन उन्होंने अब पंजाब टीम का नाम हटा दिया। हालांकि देखिए, यहाँ पर मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने इनका प्रोफाइल नहीं देखा था इंस्टाग्राम पे कि इन्होंने पंजाब टीम लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन्होंने नाम हटा दिया है, प्रोफेशनल क्रिकेटर लिख दिया है। तो अब देखते हैं पंजाब की टीम इनको रिलीज़ करती है या रिटेन। वैसे अगर पर्सनल चॉइस बताऊँ तो रिटेन कर लेना चाहिए यार, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, 2-3 मैचेस अपने दम पे जिताए थे, तो कम से कम उसका रिवॉर्ड, उसका कुछ इनाम इनको मिलना चाहिए पंजाब टीम की ओर से। अगर रिटेन कर लेते हैं तो वही अवार्ड होगा इनके लिए 4 करोड़ रुपये, क्योंकि इसके पहले तो काफ़ी कम पैसे में पंजाब की टीम ने इनको ख़रीदा था और उम्मीद भी नहीं थी प्लेइंग 11 में खेलने की, और इन्होंने जब प्लेइंग 11 में खेला तो 2-3 मैचेस भी जिता दिया, तो कहीं ना कहीं इसका रिवॉर्ड इनको मिलना चाहिए। अब देखते हैं मैनेजमेंट का क्या फैसला है, रिटेन करती है रिलीज़ करती है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आपकी क्या राय इसके ऊपर बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।